आइडिया कर दो, शाम को घर पे लौटते वक्त मैं ये ड्रामा करूंगा। लूट गया, बर्बाद हो गया, मुझे डाकुओं ने लूट लिया। शहर में डाकू लूटते नहीं है। क्यों, परसों तो वो बैंक लूटी थी। अब बैंक नहीं है। पॉइंट है, मैं बैंक नहीं हूँ मामा जी। यस, तो मैं क्या करूँ? कोई अच्छा सा बहाना सोचिए। बहाना? पर मैं सोचिए, क्या सोचूं? पैसे कमाने की कोई तरकीब नहीं सोची जाती, टाइम तो उतना ही लगेगा। हाँ, हम रद्दी बेचते। बेच चुके। पुराना बर्तन बेचते। बेच चुके। किसे उधार ले ले? ले चुके। कोई ऐसा नहीं जिस पर हमारा उधार आता हो? नहीं आता। आता है हमारे किराएदारों पे निकलता है। ये लोग जो हमारे मकानों में रहते हैं, आखिर ये किराएदार किस दिन काम आएंगे? यस, वो दे देंगे क्या? अरे यही तो रोना है ना, बंबई में कोई किराएदार वक्त पे किराया नहीं देता। 7-7 महीने का किराया चढ़ा हुआ। अगर ये लोग वक्त पे किराया देते तो किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। आपकी वजह से नहीं देते हैं। मेरी वजह से? हाँ, आप किराया लेने जाते हैं और उनकी मीठी मीठी बातों में आकर खाली हाथ लौट आते हैं। राइट मेहमान जी, लेकिन अब के मैं न खाली हाथ जाऊंगा और न खाली हाथ आऊंगा। मैं किराया लेके जाता हूँ और डंडा लेके आता हूँ। क्या? अब मेरा मतलब है, मैं डंडा लेके जाता हूँ और किराया लेके आता हूँ। ये हुई ना बात मामा जी। सिकंदर का पहला हमला कहाँ होगा? सिकंदर का पहला हमला होगा चौधरी सिस्टर्स में। मामा जी, कम से कम आप तो मामा जी मत बुलाइए, मेरी नहीं तो अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। अच्छा, नहीं बोलूंगी। आओ ब्रिज, अंदर आओ, अंदर आओ। हाय, ये इंदू जी को क्या हुआ? इंदू तो मैं हूँ, वो बिंदु का पैर दर्द कर रहा है। क्या हुआ, क्या पैर में क्या हुआ? शायद हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई? आप इन्हें अस्पताल नहीं ले गए, प्लास्टर नहीं करवाया? गई थी, लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि हड्डी टूटी भी है या नहीं। बड़ा अनाड़ी किस्म का डॉक्टर लगता है। उसे पता ही नहीं लगा कि हड्डी टूटी है या नहीं। ने पैर को हाथ ही नहीं लगा लिया। शायद दर्द बहुत ज्यादा होता हो। नहीं, डरती थी कि अगर हड्डी टूटी नहीं मिली तो क्या होगा। ओ ब्रे, वहाँ क्या कर रहे हो? आके बैठो। आप कैसी हैं इंदू जी? इंदू तो मैं हूँ, ये बिंदु है। सॉरी, आप कैसी हैं बिंदु जी? हाथ में बहुत दर्द है। हाथ? हाँ, टूटी टांग रात भर दबाती रही ना। नाक भी बंद है, रात से अब तक में 13 छींके आ चुकी है। वो कहते हैं कि 13 का फिगर बहुत अपशुगनी होता है। अनलकी। आप एक और छींक खा लीजिए। रहने दीजिए, 13 अच्छी है, 13 ठीक है। हाँ जी, अटक गई है। अच्छा। इसी वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द है। हाँ, वो मेरे पैर में बहुत दर्द है। आपकी तबीयत तो वाकई खराब है। बहुत ज्यादा खराब है विभूषण जी। अपने बिंदु जी कहाँ गई? अरे बिंदु तो मैं हूँ, इंदु आपके लिए चाय लाने गई है। चाय? लेकिन आप तो जानती है कि मैं चाय पीता नहीं हूँ। पी लीजिए ब्रिजभूषण जी, वरना इंदु का दिल टूट जाएगा, वो आपको बहुत चाहती है। हाय, ये चाय। आपने क्यों कष्ट किया? कष्ट बिल्कुल नहीं किया, कल से ज्यादा बन गई थी। कल बन गई थी? पीजिए पीजिए, अच्छी है। देखिए, मैं आपके पास एक खास काम से आया था इंदू जी। इंदू तो मैं हूँ, ये बिंदु। सॉरी, मैं आपके पास एक खास काम से आया था इंदू बिंदु जी। वो क्या है कि 5 महीने का किराया। क्या हुआ? इंदू मेरी छाती में दर्द है। अरे चाय नहीं इंदू, छाती में मलम। छाती पे निकल जाएगा। चलिए बच्चे, आप देख रही हैं उसे कितना दर्द हो रहा है। दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी दर्द में दर्द है, सब किराए का दर्द है। किराए का दर्द। चलो,
तो नहीं है ना? अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा है। आप उससे मिलने आए क्या? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। तो ठीक है, जब तक मैं एक्सरसाइज कर लूँ, आप बैठिए, केला खाइए, केला आवे बनाना मैन, कम ऑन। आप तो जानते हैं मुझे केले अच्छे नहीं लगते। खा लो मैन, खा लो, केला सेहत के लिए अच्छा होता है, कम ऑन। नहीं जी, मैं केला मुझे अच्छा नहीं लगता जी। और मुझे हुक्म नाम मानने वाले अच्छे नहीं लगते, कम ऑन, अवेट। मगर जाएगा। मैं खाता हूँ, खाता हूँ केला लिया। हाँ जी, बहुत बहुत मीठा केला, बिल्कुल आपके मोहब्बत के जैसा। नो शायरी मैन, नो शायरी। अब बोलो, ठीक से बात करो मैन, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ मजाक अच्छा नहीं होता। मैं ये कहने आ रहा कि 6 महीने का रेंट मैं नहा के आता हूँ। अरे मेजर, मेजर, मेजर साहब, मेजर साहब, मेरी बात। जाने क्यों, मैं जब भी रेंट की बात करता हूँ मेजर बाथरूम चला जाता है, लेकिन आज तो मैं रेंट लेके ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम ब्रिजभूषण चतुर्वेदी नहीं है। यस, केले का था। अरे भाई टाइगर, अरे भाई टाइगर, अरे मुझे मुझे मेजर साहब खुद बिठा के गए। बीबीसी, देखो मेरा नाम ब्रिजभूषण चतुर्वेदी कोई इतना लंबा नाम नहीं है कि तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलना पड़े, समझे? तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? भाजी काट रहे हैं। और माताजी? हाँ हैं। हे भगवान का लाख लाख शुक्र है, दोनों घर पे हैं, नहीं तो एक दूसरे पे टाल देते हैं, समझे ना? क्या काम है? तुम सामने से हटो, मैं बताता। क्या काम है? अरे सामने से हटो ना। अरे आओ आओ ब्रिजभूषण, आओ। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? मेरी परेशानी का इलाज आपसे ज्यादा मिसिस शर्मा के पास में है। सुधा के पास में? लेकिन वो तो जानवरों की डॉक्टर है। मैं इलाज करवाने नहीं आया हूँ, मैं किराया लेने आया हूँ। किराया? वो भी इस मकान का? जी हाँ, इस मकान का जिसमें आप रहते हैं और जो इत्तेफाक से मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ के मरे थे। तुम्हें किराया चाहिए? जी सिर्फ किराया नहीं, 7 महीने का किराया। एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक पैसा मांगने नहीं आया हूँ, पूरे 1400 रुपए मांगने आया हूँ। मैंने तय कर लिया है कि जब तक तुम इस घर की मरम्मत नहीं करवाओगे मैं किराया नहीं दूंगी। इस घर में मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आती सिवाय के आपके। क्या कहा? एक खराबी? पूरी 1400 खराबी है। आइए आइए दिखाओ आपको, आइए ये देखिए दीवारें, इनमें हर तरफ से पानी बह रहा है, देखा आपने? लेकिन ये दीवार कैसे बची? खैर कोई बात, जिस दिन यहाँ से भी पानी बहना शुरू हो जाएगा तो बाकी की दीवारों जैसी लगेगी। अच्छा, और ये देखिए खिड़की की लकड़ी बुरी तरह से गल चुकी है। ये ठीक बात है, लकड़ी तो गल गई है लेकिन हमारी दाल नहीं गलती। अच्छा, और खराबियां? आइए और दिखो दीवार। आप चुप रहिए जी, किराया मांगने चले आते, चलिए ना। ये देखिए गटर, इसे फौरन बंद करवाइए, इसमें से इतने बड़े बड़े चूहे निकलते हैं। ये देखिए, आप बिल्ली क्यों नहीं पाल लेती? अच्छा, और ये देखिए
गए थे सबूत, इतने सारे सबूत। आपने बच्चों की गेंदी रख ली तो क्या उन्हें वापस कर देती दूसरा शीशा तोड़ने के लिए? बेचारे बच्चे। क्या कहा? बेचारे बच्चे? नहीं नहीं, बेकार बच्चे जी। हाँ, आप मरम्मत कीजिए, मैं किराया दे दूंगी। देवी जी, बच्चों की मरम्मत करवाना कानूनी जुर्म है। मम्मी घर की मरम्मत की बात कर रही हैं। लेकिन इस घर की मरम्मत कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इसलिए देवी जी के मरम्मत को पैसे लगते हैं और वो आप देती नहीं है। आप घर ठीक कीजिए, मैं किराया दे दूंगी। कम से कम इस पानी को तो बंद करवाइए, मम्मी किचन में आने से उसी तरह घबराती हैं जैसे डैडी नहाने से। ठीक तो कह रहा है ललित, मैं जब भी किचन में आती हूँ तो भीग जाती हूँ। लेकिन तुम पकाने के लिए आती कब हो? नहीं देवी जी, अगर मैं उस पाइप से पानी का गिरना बंद करवा दूं तो क्या आप मेरा किराया दे देंगी? हाँ दे देंगे। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है ये पानी गिरना बंद करवा दे, बाकी काम तो मजदूर कर ही देंगे ना। हाँ, चलो पाइप ठीक करो। जादू चल गया। आपने तो कमाल कर दिया अंकल बीबी जी, आप तो जादूगर हैं। यस, मैं जादू करूं। चलिए माल निकालिए, निकालिए। सोच रही है फिलहाल ये 1000 रुपए है मेरे पास, बाकी 400 कल ले जाइएगा। क्या मेरा मतलब बाद में फिर कभी दे देंगे। देखिए आप डिस्कशन बाद में कीजिए, वो 1000 रुपए दीजिए प्लीज। थैंक यू। मगर आप ये तो बताइए कि ये पानी बंद कैसे हो गया? वो आप पाइप से पूछिए। थैंक यू। भाई साहब, ये पानी क्या आप लोगों ने बंद किया था? हाँ साहब, लाइन चेक कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। कमाल है, आज तक तो पानी बंद करने पे गालियां मिलती थी और आप धन्यवाद कर रहे हैं। चल रहे, पानी खोल दे। ओ मिर्जा, अरे दरवाजा खुला हुआ है, जवानी की क्या मस्त नींद है। अमा उठिए। कौन? ब्रजभूषण, आओ आओ। तुम्हारे कान तक भी खामोशी की आवाज पहुंच गई। हुजूर, इस वक्त मैं आपकी शायरी आपके बनाए हुए ट्यून सुनने नहीं आया। मालूम है, मिजाज कुर्सी को आए हो, मगर तुम तो जानते ही हो भैया, हम पुरानी सारंगी हैं, सुर से उतरते देर नहीं लगती। मौसम खराब हुआ तो तबीयत भी खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। कुछ खास नहीं, बस मौसम की गर्मी की वजह से बदन जरा गर्म हो गया है। और मौसम की सर्दी की वजह से ये हाथ कांप रहे हैं। मौसीकार के हाथ हैं हुजूर, उंगलियां हवा में सुर तलाश कर रही हैं। जमाना बदल गया मगर गुलाब मिर्जा तुम नहीं बदले। अरे जिस म्यूजिक के लिए तुम इस हालत तक पहुंचे हो अभी तक उसी के राग गा रहे हो। क्या करें ब्रजभूषण, तार टूटने पर भी झंकार तो करता है ना। डॉक्टर के पास गए थे, दवा लाए। डॉक्टर के पास गए थे पर दवा नहीं ला। क्यों? डॉक्टर साहब 1000 रुपए का इलाज बता रहे थे, हमने कहा हुजूर पिछली रिकॉर्डिंग पर 500 रुपए मिले थे उसे,
5 महीने हो गए। उनका दिल शायद किसी बहुत सख्त चीज का बना हुआ था, हमारे बुखार की गर्मी से भी ना पिघला। चल उठ। अमा कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर के पास। अमा क्या कर रहे हो? इस सड़े हुए सांस को कसने से कुछ ना होगा, फिर हजारों का मामला है। तुम्हारी हालत भी हम जानते हैं, तुम भी हारमोनियम की तरह अंदर से खाली हो। अरे मिर्जा, अब अंदर से खाली नहीं है, ये देखो 1,000 रुपया। ब्रजभूषण, चलो उठ, उठो उठो, चलो डॉक्टर के पास, उठो चलो। बात अभी ना करनी चाहिए, चलो शेरवानी ले लो, पहन लो शेरवानी। हाँ चलो ठीक से आओ। हो गया। नहीं संभाल जाओ। ब्रजभूषण, इस बूढ़े की वजह से अपने मासूमों का दिल ना तोड़ो। अरे आप जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को हम ऐसे थोड़े ही मरने देंगे, छुट्टियां तो बाद में भी हो जाएगी। आ संभाल के उतरी। राइट, मुझे तो पहले ही मालूम था।